वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीजी क्राफ्ट्स। तो गाइस आज हम बनाएंगे ब्लैक विडो का ये ऑसम सा लगने वाला गन। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका मैंने बुलेट्स भी बना रखा। और गाइस एक और बात, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि मैंने कैप्टन अमेरिका का शील्ड बनाया है और भी कई वीडियो बनाई जिसमें मैंने स्टॉर्म ब्रेकर बनाया थॉर का, तो अभी जाके वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि वो मैंने बहुत ही आसानी से और घर के हिसाब से ही बताया। तो चलिए गाइस देखते हैं कि मैंने ये गन को कैसे बनाया है। गाइस ये गन बनाना भी बहुत इजी है और ये गाइस मैंने ये गन सिर्फ पेपर और थोड़े से कूट से बनाया है। बनाने के लिए मैंने सबसे पहले A4 साइज का एक शीट लिया है और उसे पेंसिल या फिर कोई पतले स्टिक की मदद से रोल कर लिया है और फिर एक और स्टिक मैंने लिया है और फिर इसे इसके ऊपर रख कर मैंने फोल्ड कर दिया। ये जो छोटा वाला रोल है वो बड़े वाले से अच्छे से पास करना चाहिए, आप देख सकते हैं। गाइज मैंने ऐसे 4 रोल्स बना लिए और फिर उसे कट कर दिया सेम साइज में और फिर उसे एक गन का शेप में लगा देना। आप देखिए मैंने कैसे किया, तो छोटे पीसेस को एक साथ असेंबल कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फेविकॉल लगाऊंगा। गाइज सभी पीसेस को असेंबल करने के बाद आप एक ऐसे करके कुछ, मैंने जो आपको दिखाया था कि एक छोटा आपको बनाना है और इससे भी एक बड़ा बनाना, आप देख सकते हैं मैंने बड़ा बना लिया और ये इजीली इससे पास थ्रू हो जा रहा है। उसके बाद गाइस ये पार्ट को आप कुछ ऐसे फोल्ड कर लीजिए और आप एक रबड़ बैंड ले लीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा पुलिंग स्ट्रक्चर जो हमारा इसको पुल करेगा और फिर इसे शूट कर देगा। और ये हो गया गाइस हमारा गन का शेपिंग स्ट्रक्चर। तो गाइस सभी स्ट्रक्चर को आप असेंबल कर दिए और फिर वो कुछ ऐसा लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को लगा दिया और एक जो बड़ा वाला है उसके अंदर मैंने छोटा वाला पीस लिया और उसे आप देख सकते हैं इसमें टांगता हूँ तो यहाँ से मैं वो पुल हो सकता। गाइस वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना। गाइस रबर बैंड ले और यहाँ पे आप यहाँ पे स्टेपल या फिर फेविकॉल से अच्छे से चिपका दीजिए जैसे कि ये रबर निकले नहीं। और उसके बाद आप यहाँ पे अच्छा से लगा दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं स्टेपलर मार देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे मैंने स्टेपल भी लगा दिया और ऊपर से मैंने रबर बैंड भी लगा दिया थोड़े और मजबूती के लिए। उसके बाद आप खोल सकते हो जब फेविकॉल इसको अच्छा से पकड़ लेगा। गाइस उसके बाद आप बड़ा वाला पीस में ये डाल ले और एक और पीस काटे जिससे कि आप इसमें अच्छे से चिपका सकते। मैंने एक पीस और लिया और इसे मैं यहाँ पे अच्छे से सेलो टेप की मदद और फेविकॉल सब के मदद से यहाँ पे लगा दूँगा और फिर ये रबर बैंड को इसके यहाँ से पास कर दूँगा और गाइस और ये शूटिंग मैकेनिज्म बन जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, गाइस इसे अच्छा से आप होल्ड कर लेना, मैंने जो टेम्पररी आपको दिखाया। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने शूट करूँगा और इसको जैसे मैं छोड़ूंगा ये बहुत अच्छे से शूट कर सकता है। गाइस सभी मैकेनिज्म लगाने के बाद आपका ये जो गन है कुछ ऐसा लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सब स्ट्रक्चर को अच्छा से टेपिंग भी कर दिया जैसे कि ये तुरंत ख़राब नहीं हो। और गाइस यहाँ पे मैंने वो जो स्ट्रक्चर ले लिया यहाँ पे भी मैंने टेपिंग कर लिया है जैसे कि ये रबर खुल ना जाए और अच्छा से लग जाए। और उसके बाद ये मैकेनिज्म आप देख ही सकते हो कितना अच्छा से चल रहा है। गाइस अगर मैं इस यहाँ पे बुलेट लगाऊँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा से दूर जा रहा है। गाइस सब चीज़ बनने के बाद आपका स्ट्रक्चर तो रेडी हो जाएगा। कवर करने के लिए आप एक नॉर्मल पेपर ले और फिर उसे पतले पीसेस में कट कर ले। आप इतना साइज में आप एक पीस को कट कर सकते हैं। भैया देख सकते हैं मैंने ऐसे पीसेस और भी कट किए हुए, उसे भी मैं कट कर लूँगा और आपके जो गन है उसको स्टार्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक। गाइस मैंने अपने गन में चिपका रखा है। तो गाइस आप अपने जो ये रेडी रहेगा आपके पास वो खाली स्केलेटन रहेगा, मेन जो बॉडी है उसका वो अभी आप लोग का मैं नहीं बनाऊँगा। इसलिए आप एक पेपर ले और इसे स्लोली स्लोली आप स्ट्रेट वे में अच्छे से चिपका दें। गाइस ऐसे करके आप पूरा चिपका दें और यहाँ पे भी गाइस आप एक पॉइंट जो बड़ा वाला उसको आप छोड़ दें, यहाँ पे कवर नहीं करें
क्योंकि ये हमारा स्टोरेज का काम कर सकता है। गाइज ये सब जो भी खुला है उसको कवर कर ले, बस आप एक छोड़ सकते हैं, क्योंकि गाइज इसमें आप स्टोरेज का काम कर सकते हैं, इसमें दो तीन गोली आराम से स्टोर कर सकते हैं। और फिर गाइज यहाँ से आप अच्छे से कुछ इस प्रकार लगा दें, गाइज पूरा इसे कवर कर लेना। और गाइज ये ट्रिगर बनाना भी मैं आपको बताऊंगा। गाइज यहाँ पे भी पूरा अच्छा से आप कवर कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप छोटे से कूट की मदद से कवर कर लीजिएगा, और जो मेन शूटर का जगह बस उसे आप छोड़ दीजिएगा। गाइस ट्रिगर बनाने के लिए आपको थोड़ा मजबूत कूट चाहिए, आप कुछ इस तरह के कूट ले सकते हैं। गाइस ये कूट से आप आसानी से बना सकते हैं, इसे आप अच्छा से काट लीजिए, आप देख सकते हैं छोटे पीस में। गाइस ये ट्रिगर का काम कर सकता है, आप देख सकते हैं मेरा जो ट्रिगर है वो थोड़ा गन बड़ा, इसलिए मैंने बड़ा लगाया। आप ये ट्रिगर का काम यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ एल शेप में आपको लगा देना, बस लगाना है और कुछ नहीं करना है, इसमें ट्रिगर का लुक आपको अच्छा दे जाएगा। और फिर गाइस इसके बाद इसका जो कवर बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप कवर बना सकते हैं। उसके बाद आप इसको लगा दीजिए। और के लिए सबसे पहले मैंने कूट लिया है और उसे कुछ इस शेप का मैंने कट कर लिया है। गाइस आपको इस शेप का कुछ दो कट करना, दोनों तरफ आपको ये लगाना, आप देख सकते हैं जो गन का ओरिजिनल शेप है कुछ मैंने ऐसा कर दिया। और ट्रिगर लगाने के बाद ही एकदम एक्यूरेट गन लगता है, आप देखिए गाइस कितना ऑसम लुक आएगा इसमें। तो गाइस ऐसा लुक आपको कट कर लेना है अपने कूट से, यहाँ पे कुछ आप ऐसा लुक दे दे, और यहाँ थोड़ा स्लाइडिंग और यहाँ पे भी थोड़ा कर्व देकर अच्छा से बना दे। और फिर गाइस मैं इसे कलर करना भी बता देता हूँ। गाइस फिर इसे आप अच्छा से यहाँ पे कुछ इस तरह का से चिपका दे। गाइस कलर आप ब्लैक ही करें, क्योंकि जो ब्लैक वीडियो उनका गन ब्लैक ही था, ब्लैक एक्रेलिक कलर से किया, इससे आप बहुत अच्छे से कलर कर सकते हैं। और थोड़े मोड़े आप जो डिज़ाइन देख रहे हो मैंने वाइट कलर से बना दिए। गाइस ये सब कंप्लीट करने के बाद आपका ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लगेगा, मैं ये चीज़ चिपका के आपको दिखाता हूँ कि ये ओरिजिनली कैसा लगेगा, और शूट करके भी बताता हूँ कि कितना अच्छा से शूट होता। सब चीज़ करने के बाद आपका ये जो गन है ये तैयार हो गया, और ये कितना ऑसम लग रहा है, आप देख सकते हैं कि एकदम पेपर का गन है पर लग रहा है कितना अच्छा लुक। ट्रिगर लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। गाइस ये शूट भी बहुत अच्छा करता है, ये इसका ट्रिगर है, हमें इसे प्रेस करना और ये शूट करेगा। गाइस मैं आपको शूट करके भी बताता हूँ। गाइस इसके बुलेट बनाने के लिए मैंने एक नॉर्मल पेपर का रोल लिया और उसे छोटे टुकड़े में कट कर लिया, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया जैसे लगे कि ये बुलेट्स है, और आपको अच्छे से पता चले। गाइस ये स्टोर भी कर सकता है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से मैं यहाँ पे स्टोर भी कर सकता हूँ। और गाइस जब मुझे निकालना होगा तो मैं इसे कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूँ। और गाइस ये बहुत अच्छा शूट करता है, आप देखिए। गाइज मैं आपके कुछ इसके शूटिंग ट्रिक्स भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे मैं इसे शूट करता हूँ। कि ये मेरा गन है, मैंने यहाँ पे बुलेट्स डाल दी और अब मैं इसे शूट करूँगा, तो आप देखिए गाइज कि कितना अच्छा से ये जो बुलेट्स है कि कितना दूर जाता है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। गाइज ये बहुत अच्छा शूट करता है, और अगर आप इसे बनाएंगे तो ये सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज आप के लिए बस इतना, अगर आपको मेरी ये गन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस और भी लाऊंगा। और अगर आपको क्राफ्ट करना